तो आज का सवाल है कि क्या इस्लाम में किसी खातून जैसे मरियम नवाज को वजीर आजम या वजीर आला बनाया जा सकता है? तो इस्लामी लिहाज से किसी भी खातून को इस तरह किसी कौम का सरबराह नहीं बनाया जा सकता। और इसके बारे में जो हदीस है वो है किताब सही अल बुखारी की हदीस नंबर 4425, यानी कि 4425 नंबर हदीस है, जिसमें एक सहाबी का भी ये बयान है कि उन्होंने एक जुमला सुना था, जिस जुमले की वजह से वह एक हदीस सुनी थी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने जंगे जबल में हिस्सा नहीं लिया। वो हदीस क्या थी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि अहले फारिस ने कसरा की लड़की को वारिस तख्त व ताज बनाया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौम कभी फला नहीं पा सकती जिसने अपना हुक्मरान किसी औरत को बनाया हो। तो ये हदीस हमें ये बताती है कि अगर कोई भी कौम अपनी सरबराही किसी खातून को देगी तो वो कौम कभी भी तरक्की नहीं पाएगी, कभी भी फला नहीं पाएगी। तो इसी हदीस की बुनियाद पर ये कहा हम कहते हैं कि किसी भी खातून जैसे मरियम नवाज को मुल्क का वजीर आजम या वजीर आला नहीं बनाया जा सकता। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पूछ सकते हैं।